जय भीम इंडिया भारत दस्तक में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करते हैं भोजन न्यूज बुलेटिन। सबसे पहली खबर निकल के आ रही है बिहार महागठबंधन को लेकर। मध्य प्रदेश और राजस्थान के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन नहीं करने की बसपा सुप्रीमो मायावती की घोषणा के बाद बिहार में भी अब महागठबंधन में शामिल होने को लेकर राजनीतिक कयासबाजी शुरू हो गई है। पर बसपा लोकसभा चुनाव को लेकर अपने पत्ते बिहार में अभी नहीं खोल रही है। लोकसभा चुनाव में बसपा महागठबंधन में शामिल होगी या फिर अकेले चुनाव लड़ेगी, इसको लेकर पार्टी में अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। पद्य संगठन को पार्टी सुप्रीमो मायावती की घोषणा का इंतजार है। बसपा का बिहार में उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में प्रभाव है। पार्टी बिहार में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारती रही है। बसपा पार्टी का आधार वोट रोहतास, कैमूर, बक्सर, छपरा, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण जिलों में है, लेकिन राज्य में बसपा का न तो कोई सांसद है न तो कोई विधायक सदस्य है। पार्टी नेताओं का कहना है कि पार्टी अकेले चुनाव लड़ने के लिए बिहार की लोकसभा की सभी 40 सीटों पर जोर शोर से तैयारी कर रही है। पार्टी पिछले दो बार से लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ रही है। इधर बिहार कांग्रेस का मानना है कि जन विरोधियों भाजपा सरकार को हटाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में बसपा के साथ आना चाहिए। अगर वह महागठबंधन का हिस्सा बनती है तो उनका स्वागत होगा। साथ ही दूसरी खबर निकल के आ रही, छपरा में जातीय गुंडागर्दी। सारण जिले के खटका प्रखंड में एक मामूली सी बात पर स्वान राजपूत ने जातीय गुंडागर्दी का चेहरा अपनाया। जातिवादी गुंडों ने प्रखंड के ईश्वरीय उच्च विद्यालय में पढ़ने वाले दलित छात्र के साथ मारपीट की। हैरत की बात यह है कि दलित छात्र को भरे स्कूल में प्रिंसिपल और अन्य शिक्षकों के सामने स्कूल से खींचकर पीटा गया। हालांकि मामला सामने आने के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ है और अंचला अधिकारियों ने स्कूल में पहुंचकर मामले की पूरी जानकारी ली। घायल छात्र बनवासी बसंत का रहने वाला है और उसका नाम विकास कुमार मांझी है। विकास हाई स्कूल में 8वीं का छात्र है। साथियों, अगली खबर निकल के सामने आ रही है, दलित सम्मेलन के जरिए दलितों को लुभाने को तैयार है कांग्रेस। यूपी प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग शनिवार से दलित सम्मेलन कराएगा। विभाग की मीडिया प्रभारी सिद्धिश्री ने बताया है कि 6 से 24 अक्टूबर तक सभी 18 मंडलों में दलित सम्मेलन होंगे। इसके तहत 6, 7, 8 को गांव-गांव में भ्रमण करके व्यापारिक सामाजिक संगठन से जुड़े दलितों से बातचीत करके संपर्क करने की बात कही। पारिवारिक सम्मेलन होगा और रात्रि भोज किया जाएगा। 9 और 10 अक्टूबर को सभी आरक्षित विधानसभा सीटों पर संविधान से स्वाभिमान की यात्रा निकाली जाएगी। 14 अक्टूबर को सभी जिला मुख्यालयों पर संविधान सम्मान सभा का आयोजन किया जाएगा। इसमें दलित कांग्रेसी नेता और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान किया जाएगा। 22 अक्टूबर को प्रदेश के 6 मंडलों में संविधान बचाओ देश बचाओ सम्मेलन होगा। इसी तरह 23 और 24 अक्टूबर को भी आयोजन होंगे। साथियों, अगली खबर निकल के आ रही है बिहार में एनडीए को लेकर। बिहार में एनडीए का खेल खराब कर सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा। केंद्रीय मंत्री और आरएलएसपी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बीते कुछ समय से बिहार की सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद के बीच कुशवाहा पर सबकी नजरें हैं। सियासी खीर बनाने की बात को कहकर कुशवाहा ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया था। हाल ही में उनकी पार्टी की तरफ से दिए गए बयान से ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि वे बिहार में महागठबंधन का दामन थाम सकते हैं। साथ ही ये तो अब वक्त बताएगा कि सीटों के बंटवारे में कुशवाहा की पार्टी के खाते में कितनी सीटें आती है और क्या वे एनडीए के साथ रहते हैं या उन्हें छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथियों, अगली खबर निकल के आ रही है राज्य में होने वाले चुनावों को लेकर। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की घोषणा कर दी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम के साथ तेलंगाना में भी विधानसभा चुनाव होंगे। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होगा। सबसे पहले नक्सली प्रभावित इलाकों में 12 नवंबर को वोटिंग होगी, उसके बाद बाकी बचे हुए इलाकों में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। मध्य प्रदेश और मिजोरम में एक साथ चुनाव होंगे, वहां पर 28 नवंबर को मतदान किया जाएगा। सबसे आखिरी में राजस्थान और तेलंगाना में एक साथ मतदान होगा, यहां 7 दिसंबर को वोटिंग होनी है। सभी राज्यों के चुनावी रिजल्ट 11 दिसंबर को आएंगे। दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ किस इलाके में कहां का चुनाव होंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सली प्रभावित इलाके में पहले चरण का चुनाव 12 नवंबर को होगा। छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाके में दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होगा। मध्य प्रदेश और मिजोरम में 28 नवंबर को वोटिंग होगी। राजस्थान और तेलंगाना में 7 दिसंबर को वोटिंग होगी। सभी राज्यों के चुनावी नतीजे 11 दिसंबर को आएंगे। साथियों, अब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना के कहीं से भी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके राज्य में चुनावों की डेट डिक्लेयर हो गई है। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और भोजन न्यूज रोज पाना चाहते हैं और भोजन समाज से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में नोटिफिकेशन बेल का ऑप्शन है उसे दबा के हमारे चैनल के परमानेंट मेंबर बन जाइए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय भीम, जय भारत। सब्सक्राइब करिए भारत दस्तक को और दबाइए इस नोटिफिकेशन बेल को हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।